Bismillah Dear students, as you know, that we were talking about the cyclical thermogram. In cyclical voltammogram we have discussed the uh, uh, graph between the applied potential and the current. सो ना आई एम गोइंग टू समाइज दिस वल्टैमोग्राम देखेंगे कि हम इस वल्टामोग्राम uh, के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सबसे पहले आपके पास कुछ इस किस्म का ग्राफ आएगा यानी यह ये यहाँ से स्टार्ट होगा तो चलता हुआ एक पीक बनाएगा और पीक बनाने के बाद फिर एक जगह पे कांस्टेंट होगा थोड़ी देर के लिए और फिर ये वापस आना शुरू हो जाता है तो इसमें जो ये ऊपर वाला है ये वाली पीक जो आ रही है इसको फारवर्ड स्कैन बोलते हैं यानी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं फारवर्ड स्कैन जबकि इसके मुकाबले में जो यही पीक जो है ये नीचे की तरफ आ रही है यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है इसे क्या आप बोलते हैं इसको रिवर्स स्कैन बोलते हैं ठीक हो गया और जहां पे ये स्टॉप करता है यानी ये फॉरवर्ड स्कैन जब अपना एक साइकल कंप्लीट करता है तो जहां पे ये स्टॉप करता है तो इसको वर्टेक्स पोटेंशियल बोलते हैं या स्विचिंग पोटेंशियल बोलते हैं ठीक हो गया यानी वो वो पोटेंशियल जहाँ पे ये जाके स्टॉप करता है यानी इसके आखिरी जो है ये पोटेंशियल विंडो के अंदर जो आखिरी पॉइंट है जहां पे ये स्टॉप करके फिर रिवर्स होना शुरू होता है तो उसको वर्टेक्स पोटेंशियल स्विचिंग पोटेंशियल बोलते हैं ठीक हो गया अच्छा इसके बाद हमारे नेक्स्ट जो ये फॉरवर्ड स्केन ये रिवर्स स्केन हो गया इसके बाद ये ई ऑन सेट यानी जहां से पी बनना स्टार्ट होती है उस पोटेंशियल को ई ऑन सेट पोटेंशियल बोलते हैं ठीक हो गया उसके बाद ये जो पीक आपको नजर आ रही है इस पीक पे क्या हो रहा है इस पीक को क्या कहते हैं वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीडेशन होती है ऑक्सीडेश मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है ठीक है जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो उस वजह से करंट पैदा होगा उस करंट को फेराडिक करंट भी कहते हैं ठीक है और उसी को एनोडिक पीक करंट बोलते हैं क्योंकि ये उसका मैक्सिमम करंट है एनोड का चूंकि ऑक्सीडेशन एनोड पे है ऑक्सीडेशन का अमल होता है तो इस वजह से इसको एनोडिक पीक करंट कहते हैं जिसको आई पी ए से जहर किया जाता है ठीक हो गया और यानी इसको हम अगर एक्स्ट्रा प्लॉट करें इस तरफ इस एक्सेस की तरफ जो वाई एक्सेस है हमारा तो जहां पे ये टच करेगा ये हमारा उसका एनोडिक पीक करंट आ रहा है ठीक हो गया अच्छा इसमें अब इसको अगर हम उसी तरह एक्स्ट्रा प्लेट करें तो ये पोटेंशियल के साथ भी टच हो रहा है ये जैसा आपको नजर आ रहा है तो ये जो पोटेंशियल हो गया इसको भी हम क्या बोलेंगे इसको एनोडिक पीक पोटेंशियल बोलेंगे ई पी ए से जहर किया जाता है तो ये एनोडिक पीक पोटेंशियल हो गया ये चीजें पहले ऑलरेडी इसका सोच चुकी हैं तो ये समराइज किया जा रहा है तो ये एनोडिक पीक करंट हो गया आई पी ए ठीक हो गया आई करंट के लिए पी ए यानी एनोडिक पीक हो गया इसी तरह ये ई पोटेंशियल के लिए और पी एनोडिक पीक के लिए हो गया ठीक हो गया तो एनोडिक पीक पोटेंशियल ये है और ये एनोडिक पीक करंट है उसके बाद ये काम होना शुरू हुआ कानून, काम होने शुरू होने के बाद जैसे ये आखिर पे जब जाता है तो इसको नॉन फेरेडिक करंट बोलते हैं इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी आपको बता दी गई है तो ये फेरेडिक करंट है और यहाँ पे नॉन फेरेडिक करंट है उसके बाद ये वर्टिक पोटेंशियल इसको स्विचिंग पोटेंशियल बोलते हैं उसके बाद रिवर्स स्किन स्टार्ट हो गया रिवर्स स्किन स्टार्ट होने के बाद हो यहाँ पे जैसे जहां पे पीक स्टार्ट होगी ये भी ई ऑन सेट होगा और जब ये पीक आएगी मैक्सिमम जहां पीक होगी तो ये पीक कैसे होती है ये रिडक्शन की वजह से होती है रिडक्शन में क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ठीक हो गया और ये अमल किस पे होता है कैथोड पे होता है इस वजह से इसको यहां पे जो करंट होगा मतलब ये जो जो करंट को एक्सट्राप्लेट करके इस एक्सिस के साथ टच करेंगे तो इस करंट को क्या बोलेंगे कैथोडिक पीक करंट आई पी सी ठीक हो गया और इसके मुकाबले में जो पोटेंशियल होगा जो पोटेंशियल जहां ये उस पोटेंशियल विंडो के साथ टच कर रहा है तो इस पोटेंशियल विंडो के साथ जहाँ टच कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे कैथोडिक पीक पोटेंशियल ईपीसी बोलेंगे ठीक हो गया तो ये इसको जिसकी समरी वोल्टैमोग्राम की मतलब हमारे पास जो सीवी का डाटा आता है सीवी का ग्राफ आता है जिसको वोल्टैमोग्राम बोलते हैं तो उसकी ये समरी है उसमें ये जो अमल जो जो अमल हो रहा है और उनको करंट और पोटेंशियल के लिहाज से कैसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है उसके बाद हमने पढ़ा था एक रेंडलेस इक्वेशन पढ़ी थी जो कि बराबर थे आई पी इज इक्वल टू टू पॉइंट सिक्स नाइन टेन हंड्रेड पावर फाइव एन थ्री बाई टू ए सी डी वी ठीक हो गया तो इसमें ये बेसिकली ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन है ये वाई एक्सेस पे हम आई पी करंट लेते हैं पीक करंट जो है ये हो ले लेते हैं ये सारा फैक्टर एम के बराबर है और ये वी जो है ये एक्स ठीक हो गया वाई इज इक्वल टू एम एक्स आगे इसमें इंटरसेप्ट नहीं है

उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है जो जो, जो जिसको डिस्कस करना है वो हमारा है स्पेसिफिक कैपेसिटेंस तो स्पेसिफिक कैपेसिटेंस को हम आ, सीवी के ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हैं और इसको चार डिस्चार्ज गिलवानोस्टैर से भी जी सी डी गैल्वानोस्टैट चार डिस्चार्ज टेक्निक से भी फाइंड कर सकते हैं सबसे पहले हम जो है वो चूंकि हमने सीवी को डिस्कस किया था इसमें हमने स्पेसिफिक कैपेसिटेंस का फार्मूला भी पढ़ा था तो स्पेसिफिक कैपेसिटेंस क्या है कि सीवी के कर्व के लिए स्पेसिफिक कैपेसिटेंस जो है ये इक्वल होती है हमारे पास सीपी इज इक्वल टू ए ओवर 2 एम के वी2 माइनस वी1 इसमें ए क्या है ए जो है एरिया इनसाइड द कर्व है मतलब ये हमारे पास अगर कर्व आ रही है तो ये अंदर वाला जो एरिया है ठीक है ना कर्व के अंदर वाला जो एरिया है ये ए के इक्वल होगा टू क्या है टू बेसिकली यूजली हम टू इलेक्ट्रोड सिस्टम यूज करते हैं तो उसके लिए टू आता है अगर हमारे पास थ्री इलेक्ट्रो सिस्टम है तो फिर हमारे पास ये टू नहीं आएगा तो एम क्या है एम जो है एक्टिव मास है यानी हमारे पास जो एक्टिव जो एक्टिव मटेरियल काम कर रहा है, उसकी जो मास है वो कितना है वो एम आ जाएगा के क्या है के रेट है सेकेंड रेट मतलब हम जब उसके साइकल दे रहे होते हैं तो रेट फिक्स किया जाता है ठीक हो गया तो रेट की वैल्यू को के से जारी किया गया टू माइनस वी क्या है ये पोटेंशियल विंडो है ये देखें ये हमारे पास यानी पोटेंशियल यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे एंड हुआ ठीक है तो ये v2 टू माइनस वी वन होगा फॉर एग्जाम्पल ये जहाँ पे जीरो जीरो था यहां पे फॉर एग्जाम्पल पॉइंट एट है ठीक है तो पॉइंट एट माइनस जीरो करेंगे तो ये हमारे पास ये उसका पोटेंशियल विंडो आ जाएगा तो वी टू माइनस वन ये क्या है पोटेंशियल विंडो ऑफ सीबी है तो जब हम इन तमाम चीजें हमारे पास अगर ये वैल्यूज दी गई हैं तो जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो स्पेसिफिक कैपेसिटेंस की आ जाएगी तो ये तो है सीबी कर्व से हम अगर स्पेसिफिक कैपेसिटेंस फाइंड करनी है तो उसके लिए ये फार्मूला है अगर हमने एक और टेक्निक है जिसको गलवानोस्टेट डिस्चार्ज डिस्चार्ज टेक्निक कहते हैं उसके ज़रिए भी हम जो है वो स्पेसिफिक कैपेसिटेंस भी फाइंड कर सकते हैं उससे एनर्जी डेंसिटी भी फाइंड हो जाती है उससे पावर डेंसिटी भी फाइंड हो जाती है यूजली ये जो सुपर कैपेसिटर जो या कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं कैपैसिटर को मटेरियल हमने सुपर कैपेसिटर बनाने के लिए यूज़ किया है ठीक है ना तो उनमें जो है ये वाली टेक्निक यूज़ की जाती है तो इस टेक्निक के लिए इस टेक्निक में हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं ये आप देख लें इसमें हमारे पास जो स्पेसिफिक कैपेसिटेंस है वो इज इक्वल टू होती है आई इन टू डेल्टा टी ओवर डेल्टा वी एम या एम डेल्टा वी भी इसको बोलते हैं इसमें आई क्या है आई करंट है ठीक हो गया जो करंट इधर आ पीक करंट आ रहा होगा डेल्टी क्या है डेल्ट है डिस्चार्जिंग टाइम यानी इस कार्व के अंदर जो डिस्चार्जिंग टाइम आ रहा होगा जब हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिस्चार्जिंग टाइम बिजिकली होता क्या है चार्जिंग टाइम भी होता है डिस्चार्जिंग टाइम भी होता है तो ये डेल्टी के बराबर होता है एम क्या है एम भी एक्टे हो गया और डेल भी क्या है ये पोटेंशियल ड्रॉप है यानी जहां से पोटेंशियल कम होना शुरू हो गया ठीक है ना यानी एकदम से ये पोटेंशियल इंक्रीज होगा फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो जहां ये ड्रॉप होगा तो उसको डेल वी से बोलते हैं इसके बाद हम इसी अगर हमारे पास स्पेशल कैपेसिटेंस आ गई तो उससे हम एनर्जी डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं एनर्जी डेंसिटी का क्या फार्मूला है ई जी इज इक्वल वन बाई टू ये स्पेशल कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाई डेल वी स्केयर डेल वी हमारे पास वही है यानी पोटेंशियल ड्रॉप हो गया इसके बाद पावर डेंसिटी हम फाइंड कर सकते हैं पावर डेंसिटी क्या है पावर डेंसिटी इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी को ये डिस्चार्जिंग टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी वो पावर डेंसिटी की आएगी अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हम ये तीनों वैल्यूज हमारे पास इनका डाटा दिया हुआ हो तो हम कैसे ये तीनों वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं